फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी, इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त फिलोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यहाँ पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। चित्रकूट के विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद विशाल खबर से विशेष चर्चा की। जब विशाल खबर के संवाददाता फिरोज खान ने नीलांशु चतुर्वेदी से पूछा कि आप किन मुद्दों के साथ चित्रकूट विधानसभा में जाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार है और मुद्दों की भरमार है। चित्रकूट क्षेत्र की हमेशा उपेक्षा की गई, भगवान कामतानाथ और बड़े देव बाबा से यही प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है और चित्रकूट के 84 कोस को व्यवस्थित करना है और चित्रकूट क्षेत्र को आगे ले जाना है। आप नामांकन करने आए थे, नामांकन कर दिया आपने? जी, नामांकन कर दिया। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार है, अत्याचार के साथ साथ मुद्दों की भरमार है। चित्रकूट क्षेत्र की हमेशा उपेक्षा की गई है, भगवान कामतानाथ, बड़े देव बाबा और गैबीनाथ जी से ही प्रार्थना है कि इस सरकार को हटाने का काम करना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना के अपने चित्रकूट धाम को, चित्रकूट के 84 कोस को व्यवस्थित और यहाँ के लोगों को आगे ले जाने का काम करना है। जब विशाल खबर के संवाददाता फिरोज खान ने नीलांशु चतुर्वेदी से पूछा कि एक तरफ भाजपा है और दूसरी तरफ बसपा है, आप किसे चुनौती मानते हैं? इस सवाल के जवाब में नीलांशु चतुर्वेदी ने कहा चुनौती तो हर चुनाव में रहती है, लेकिन जिसके साथ कामतानाथ स्वामी, बड़े देव बाबा और गैवीनाथ है, सफलता वही प्राप्त करता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ बहुजन है, किससे चुनौती आप मानते हैं? चुनौती तो हर चुनाव में होती है, चुनौती किसी से नहीं है। जिसके ऊपर कामतानाथ, बड़े देव बाबा और गैवीनाथ की कृपा होगी वही सफलता प्राप्त करेगा। चुनौती मानता हूँ, इससे मुकाबला मान रहे हैं? नहीं, मुकाबला हमको तो पता ही नहीं कौन लड़ रहा है, मुकाबला हम किसी से नहीं मानते। अपना काम करते रहना चाहिए, ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, संगर लोगों की सेवा करते रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी छोड़कर संजय सिंह समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, इसका आपके चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? इस सवाल के जवाब में नीलांशु चतुर्वेदी ने चतुराई के साथ बचने की कोशिश की और कहा हमारी लड़ाई शिवराज सिंह चौहान से सीधे है, यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो चित्रकूट का क्या विकास करेंगे? इस सवाल के जवाब में भी श्री चतुर्वेदी ने कहा कि 2 मिनट की वार्तालाप में चित्रकूट के विकास का खाका नहीं खींचा जा सकता। आइए सुनते हैं चित्रकूट विधायक ने विशाल खबर से क्या कहा। 5 साल में से कुछ आपने काम जो विकास कार्य किया होगा? ठीक, विकास का उसकी तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे 5 साल 8 महीने का आपको विवरण दिया है। अब फिर वही बात आप पूछेंगे, वो तो पूरा मैंने एक बुकलेट दिया आपको, उसमें आप देख सकते हैं क्या क्या काम हुआ है। जो आपके सामने चल रहा है, कह रहे हैं वहाँ पर विकास नजर, तो उनको भी, वो आपके सामने जो प्रेस के सामने मैंने अपने 5 साल 8 महीने के दिया, उनके पास भी एक कॉपी भिजवा दीजिएगा आप। थैंक यू। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.vishalkhabar.com, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook पर भी लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।